उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। इट इज प्लीज ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इन बुल्ले को। लोकसभा जहां बीते दिन महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई, वहीं अब इस सदन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की विवादित बयान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक सभी इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली पर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ट्वीट कर कहा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है व वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं दूसरी ओर बसपा नेता आकाश आनंद ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में मुल्ला आतंकवादी उग्रवादी कह देता है और देश का प्रधान सेवक और उसकी पार्टी अब तक खामोश बैठे हैं। ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमले देती है। ये हाल हो गया है देश की संसद का। दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो हर दिन बेनकाब हो रहा है संसद से सड़क तक। भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरती बयान देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में थोड़ी भी शर्म बची है तो तुरंत रमेश बिधूड़ी जैसे गुंडे की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज और बसपा के सांसद दानिश अली से माफी मांगनी चाहिए। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर बसपा सांसद दानिश अली से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खैर, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने सदन में इस तरह का व्यवहार दोहराया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।